नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी न्यूज़। मैं हूं आपके साथ दिव्यानी शर्मा। मध्य प्रदेश में दो दिन बाद मतदान होने जा रहा है। इससे पहले सरकार ने पेट्रोल और डीजल में कोई बदलाव नहीं किया है। तेल कंपनियों ने 15 नवंबर को पेट्रोल और डीजल के नए रेट जारी कर दिए हैं। एमपी समेत कई राज्यों में फ्यूल के रेट में बदलाव देखा गया है। केरल, ओडिशा, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में इजाफा हुआ है। तमिलनाडु, राजस्थान, पंजाब, महाराष्ट्र, कर्नाटक, झारखंड, जम्मू कश्मीर, गोवा, छत्तीसगढ़, असम और आंध्र प्रदेश में गिरावट आई है। ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल के भाव में बुधवार को उछाल आया है। 0.30% वृद्धि के साथ ही ब्रेंट क्रूड $82.72 प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा है। वहीं WTI क्रूड में 0.24% का इजाफा हुआ है। मध्य प्रदेश में फ्यूल के रेट में उतार चढ़ाव जारी है। कहीं इजाफा तो कहीं गिरावट का सिलसिला बरकरार है। बुधवार को जो है उमरिया में पेट्रोल पर 42 पैसे और डीजल पर 39 पैसे की वृद्धि हुई है और सिवनी में पेट्रोल पर 61 पैसे और डीजल पर 56 पैसे का इजाफा हुआ है। राजगढ़ में पेट्रोल पर 43 पैसे और डीजल पर 39 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। पन्ना में पेट्रोल पर 86 पैसे और डीजल पर 89 पैसे का इजाफा हुआ है। नरसिंहपुर में पेट्रोल पर 89 पैसे और डीजल पर 69 पैसे की वृद्धि हुई है। छतरपुर में पेट्रोल पर 86 पैसे और डीजल पर 76 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। अनूपपुर में पेट्रोल पर 88 पैसे और डीजल पर 81 पैसे का उछाल आया है। सीधी, शिवपुरी, श्योपुर, सागर, खरगोन, खंडवा, हरदा, दमोह, बैतूल और आगर मालवा में ईंधन के भाव में बढ़ोतरी हुई है। बड़वानी में पेट्रोल पर 60 पैसे और डीजल पर 55 पैसे की गिरावट हुई है। भिंड में पेट्रोल पर 47 पैसे और डीजल पर 43 पैसे की कमी आई है। भोपाल में पेट्रोल पर 15 पैसे और डीजल पर 13 पैसे की गिरावट आई है। पेट्रोल 108.32 रुपये और डीजल 93.61 रुपये में बिक रहा है। रीवा में पेट्रोल जो है 90 पैसे की कटौती के साथ पेट्रोल 111.19 पैसे में बिक रहा है। वहीं डीजल की कीमत 96.25 रुपये है। उज्जैन में फ्यूल के रेट में कमी आई है। यहां पेट्रोल 109 रुपये और डीजल 94.25 रुपये में बिक रहा है। इंदौर में पेट्रोल 108.66 रुपये और डीजल 93.94 रुपये तक पहुंच चुका है। मंदसौर में पेट्रोल पर 1.11 रुपये और डीजल पर 1.01 रुपये की गिरावट आई है। इसके अलावा मुरैना, रतलाम, शहडोल, सिंगरौली, टीकमगढ़, विदिशा, जबलपुर, गुना, बुरहानपुर, भिंड, बालाघाट, बड़वानी और अशोकनगर में भी राहत मिली है। ये था अब तक का अपडेट। ऐसी तमाम जानकारी और अपडेट्स के लिए बने रहिए वॉइस ऑफ एमपी के साथ।